नाउ वी आर हैविंग आवर लंच। अब हम लोग जा रहे हैं लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ हमारी एक फ्रेंड ने हम लोगों को इनवाइट किया हुआ है। अब आगे मैं आपसे वहाँ जाके मिलती हूँ। अब हम जा रहे हैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की तरफ। हम तोड़ गए जब तुम जगे, तब से तुम नजर में आ रुके। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग पहुंच गए हैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। अब हम इनके शाहीन मॉल में जा रहे हैं और मैं आप लोगों को इनकी कैंटीन दिखाती हूँ। जनरल स्टोर भी है इधर, और उसके अलावा ये इनकी है फ्रूट शॉप, सब उसके अलावा यहाँ पर लास्ट। अब हमारी दोस्त आ गई और हम लोगों ने गोलगप्पे दही भले फ्रूट चाट ऑर्डर किया और हमें बहुत सारी गपशप लगाई है। ये है इनका ओवल ग्राउंड जहाँ यहाँ सारी इनकी स्पोर्ट्स होती हैं और जहाँ पे बाहर से कोई मैचेस वगैरह करने के लिए स्टूडेंट्स को बुलाते हैं तो वो भी यहीं पर होते हैं। शाहीन मॉल के बैक साइड पर ओवल ग्राउंड है। अब हम ओवल ग्राउंड से वापस शाहीन मॉल की तरफ जा रहे हैं। ये है ब्यूटी पार्लर। ये जिना हॉस्पिटल का बर्न सेंटर है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बर्न सेंटर है। अब हम गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ते में नर्सिंग हाउस है जिनको 35,000 इनके फर्स्ट ईयर से ही स्टूडेंट लाइफ में ही पे करना स्टार्ट कर देती है गवर्नमेंट। और ये रास्ता जाता है बॉयज़ हॉस्टल की तरफ और अब हम सीधा गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल का गेट है और स्टार्टिंग में ही गर्ल्स हॉस्टल का कैफेटेरिया है। ये कैफेटेरिया का सिटिंग एरिया है और अंदर बिल्डिंग्स हैं, 3, 4, 5 बिल्डिंग्स है गर्ल्स हॉस्टल की और हम लोग अब बिल्डिंग 4 की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारी फ्रेंड का रूम, हॉस्टल का रूम जो है वो बिल्डिंग 4 में है। ये मरियम हॉल है। अब हम स्टडी रूम की तरफ जा रहे हैं जो गर्ल्स हॉस्टल का स्टडी रूम है। माशाल्लाह बहुत लश स्टडी रूम था, एसी थे, अंदर सिटिंग एरिया बहुत अच्छा था, पढ़ने के लिए बेस्ट जगह है। थर्ड ईयर तक एक रूम के अंदर 3-3 बच्चों को रखा जाता है। फोर्थ ईयर में अबाउट 30 जो टॉपर्स होते हैं क्लास के उनको क्यूबॉर्डर मिलता है और फिफ्थ ईयर में 50 से 55 तक क्यूबॉर्डर रूम्स दिए जाते हैं टॉपर्स को। अब हम जाएंगे अपनी फ्रेंड का रूम दिखाते हैं आपको। रूम्स बस इस तरह से कुछ कंजस्टेड से रूम्स हैं और ये बहुत अच्छा ग्राउंड एरिया है ये बॉयज़। अब हम जा रहे हैं मेरे फेवरेट जिमनेजियम साइड पर, स्विमिंग पूल है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ की टाइमिंग्स होती हैं। गर्ल्स की टाइमिंग सुबह 6 से 9 होती हैं, उसके बाद बॉयज़ की टाइमिंग होती हैं। अब हम जा रहे हैं जिम और स्पोर्ट्स एरिया की तरफ। एक बास्केटबॉल का ग्राउंड गर्ल्स हॉस्टल के पास भी था, वहाँ हम लोग नहीं गए, वो काफ़ी दूर था। और जो ये जिम के साथ स्पोर्ट्स एरिया, यहाँ पे बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के नेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेली जा सकती है। और ये जिम एरिया है जहाँ पे जिम की मशीनरी है। अब हम आ गए हैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की एरिया के अंदर और ये ऑडिटोरियम एरिया है जहाँ पे 5 ईयर्स की सारी क्लासेस होती हैं। और ये पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है इन डिपार्टमेंट्स के अंदर और ये फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट्स में ट्यूटोरियल्स होते हैं और तमाम टीचर्स, डेमोंस्ट्रेटर्स और एचओडीज़ के जो हैं वो ऑफिसेज होते हैं। इसी तरह से तमाम डिपार्टमेंट्स बने हुए, स्ट्रक्चर सबका सेम है। अब हम जा रहे हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट की तरफ। तमाम डिपार्टमेंट्स बंद थे क्योंकि हम कॉलेज टाइमिंग के बाद में गए थे। अगर मैं पहले आती तो मैं आप लोगों को अंदर से भी सारा विजिट कराती, लेकिन तमाम डिपार्टमेंट्स सेम स्ट्रक्चर है। और ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, ये बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है। और अब हम जा रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन की तरफ और ये कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है। और ये सामने वैसे ही एचओडीज़ के ऑफिसेज हैं, ट्यूटोरियल रूम्स हैं और अंदर जो म्यूज़ियम है। और अब हम जा रहे हैं हाउस ऑफिसर्स के रूम्स की तरफ और ये हाउस ऑफिसर्स के रूम कुछ इस तरह से हैं कि ये भी 3-3 बच्चे एक रूम में रहते, लेकिन रूम की हालत बहुत अच्छी थी। अब हम आ गए हैं लाइब्रेरी एरिया की तरफ और अब हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं। और ये 5 ईयर्स के स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी थी, यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा था, एसी लगे हुए थे और काफ़ी अच्छी जगह है पढ़ने के लिए। अब हम यहाँ पे कुछ देर के लिए बैठे थे लेकिन हम लोगों ने हाफ एन आवर यहाँ पर बैठ के बातें की हैं। ये इलामा इकबाल का ऑडिटोरियम एरिया है, कोई भी मूवी नाइट या पार्टी होनी हो तो वो इधर होती है, काफ़ी प्यारी जगह थी। अब हम विज़िट कर रहे हैं इनका एमएस ऑफिस, एडमिन डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको विज़िट कर रहे हैं, देखने के वहाँ पे क्या क्या है, आप लोग भी दिखाती हूँ। हम तोड़ गए जब तुम जगे, तब से तुम नजर में। अब हम आए हैं टॉप्सी डिपार्टमेंट, मतलब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हम टॉप्सीज को कुछ फिटनेस करेंगे, उनका प्रोटोकॉल देखेंगे, देखते हैं कोई टॉप्सी आई है तो देखते हैं उसको, लेट्स गो। ये टॉप्सी और मॉर्चरी रूम है, यहाँ पे टॉप्सी करते हैं और यहाँ स्टूडेंट्स खड़े होकर देखते हैं, लेकिन इस टाइम अभी कोई टॉप्सी नहीं है, सो वी आर गोइंग बैक। ऑटोप्सी प्रोटोकॉल्स पढ़ने के बाद मुझे आज यहाँ के ये एक नई बात पता चली है कि जो पेशेंट्स ऑटोप्सी के लिए आते हैं उनको बिफ़ोर और आफ्टर ऑटोप्सी उनको गुसल नहीं दिया जाता और उनकी तदफीन गुसल के बगैर होती है। और ये ऑटोप्सी रजिस्टर था। अब हम आगे हैं जिना हॉस्पिटल, मैं आपको दिखाती हूँ जिना हॉस्पिटल।
ये जना हॉस्पिटल है और सबसे नीचे वाले फ्लोर पे एमरजेंसीज हैं। ये पीड्स की एमरजेंसी है और आगे अब आएगी मेडिसिन की एमरजेंसी है, ये सर्जिकल एमरजेंसी है। और अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे सबसे ऊपर है गायनी डिपार्टमेंट, यहाँ लेबर रूम था और बहुत प्यारे प्यारे 3-4 बच्चों की बर्थ हुई थी और बहुत सेलिब्रेशन का एक एटमॉस्फेयर था। और ये डॉक्टर्स लाइब्रेरी है, यहाँ पे पीजीज जो हैं वो बैठ के स्टडी करते हैं। यह भी बहुत अच्छी जगह थी। आई ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पे ENT आई और बाकी तमाम एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट था। ये डॉक्टर्स कैफेटेरिया सबसे प्यारी जगह थी जिना हॉस्पिटल की। और अब हम डॉक्टर्स कैफेटेरिया जा रहे हैं, यहाँ हम खाना खाएँगे और अपनी गपशप लगाएँगे और उसके बाद हम वापस चले जाएँगे। जब तुम जगे तब से तुम नजर में आ रुके, हम तो हो गए जमाने रे आलम, अब तो होना है वही जाना, हम तो हो गए। और यहाँ हमारे इर्द गिर्द तमाम टेबल्स पर डॉक्टर्स बैठ के पढ़ रहे थे। नाउ वी आर गोइंग बैक एंड आफ्टर दिस वेलमिंग डे आई एम गोइंग टू स्लीप। If you like my video, then subscribe to my channel and also let me know about your views in the comment section below. Thank you.